दोस्तों, ये स्टोरी आज जो आप सुनोगे उसकी सीख आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल था जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने के बावजूद हर बार नया सवाल उसके मन में आ जाता था और गुरुजी भी परेशान हो गए, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। गुरुजी ने हथेली देखी और कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रह के अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक दूसरे होनहार विद्यार्थी की हथेली दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। ये बात उस विद्यार्थी को बुरी लगी। ये सुनने के बाद विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वो रोज सुबह दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू की नोक से उसने अपने हाथ में गहरी लकीर बना दी और हाथ लहूलुहान हो गया और गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। गुरुजी ये देख के अचंभित हो उठे और उन्होंने विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी ने बोला, तुम्हें शिक्षा सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा, दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को बदल देती हैं। दोस्त, क्या आप जानते हो वो विद्यार्थी कौन था? वो विद्यार्थी आगे चल के महर्षि पर्णिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज 2700 वर्षों के बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण की ग्रंथ अब तक नहीं बनी है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम से जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आखिरी में मैं बस इतना कहूँगा और ये बात आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, जब भी कोई आपसे किस्मत की बात करेगा, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तेरे सपने को पूरे होने से रोक दे, कि यूं ही नहीं होती हैं हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, कि यूं ही नहीं होती हैं हाथ के लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियो के साथ। Till then, bye bye from your motivational friend.